जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम पीपी 137 के अंदर जो है पीटी ने एक रैली निकाली है, वहाँ पे मौजूद है मेरे कैमरा मैन स्टेज जो है वो यहाँ की कारकुनान जो है और यहाँ की क्यादत जो है उसका खासा रश देखने में आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो अबू जर मकसूद चदर साहब भी मौजूद है जो कि उम्मीदवार पीपी 137 है। सर मैं सबसे पहले मुबारकबाद आपको देना चाहूँगा, इतनी बड़ी कामयाब रैली पर क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। ये रैली में अगर मैं कहूँ कि जी मेरा बहुत रोल है, ये इमरान खान की कॉल थी और आवाम जाग चुकी है और जागी वो आवाम का आपने तादाद देख ली है। सैकड़ों गाड़ियां, हज़ारों कारकुनों के साथ हमने आज पूरे हलके में एक हलके की एक कॉर्नर से लेकर दूसरे करने के सबसे लंबी तरीन ज़िले की रैली निकाली है हमने और रिकॉर्ड तादाद के साथ निकाली है। ये आवाम की मेहरबानी थी हम पर बस जी। और इंशाल्लाह ताला ये जाहिर करता है कि खान जेल भरो तरीके या कोई और तरीके, हज़ारों कारकुनान वकला समेत हम हाजिर हैं उधर जी। जी हज़ारों कारकुनान और वकला के साथ जो है यहाँ पे इन्होंने ये भी अजम किया कि जेल भरो तहरीक जो है उसके अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में आज की रैली? हाँ जी माशाल्लाह, एक माशाल्लाह आज की रैली माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी और बहुत लंबी, बहुत लंबी रैली थी। मैं समझता हूँ कि ये नौजवान क़यादत पे और इमरान खान पे एक इत्माद है। इस हलका से जितने कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तमाम आजमाए हुए हैं। ये जो कैंडिडेट आए हैं माशाल्लाह नौजवान भी हैं और इनमें काम करने का जज्बा भी, इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगे और हल्का की अच्छी खिदमत करेंगे। ये नौजवान की आदत है और इस पर एतमाद भी आवाम का जो है वो देखने में आ रहा है। रैली जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिरोजवाला की तहरीक के अंदर सबसे बड़ी रैली जो है वो आज निकाली गई, मुल्क के अंदर जो है इलेक्शन कराओ और जो है वो यहाँ पे उन्होंने आगाज़ किया है।